Mom, what's the name of the chapter? Financial statements, final accounts. Final accounts. ठीक है ना? It includes two things. Number one, we will prepare trading and profit and loss account. Number two, we will prepare balance sheet. Trading and profit and loss account tells us the operating position. Operating position means जो काम मैं करती हूँ उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन. ठीक है ना? इफ आई एम अ ट्रेडर ऑफ राइस, आई हैव कंडक्टेड राइस एक्टिविटीज रिलेटेड टू राइस थ्रू आउट द ईयर, वॉट इज माई प्रॉफिट? एंड सेकेंड थिंग विच वी प्रिपेयर इन दिस चैप्टर इज बैलेंस शीट. इट टेल्स अस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ फर्म. फाइनेंशियल पोजिशन मीन्स वॉट वी ओन, हमने लोगों से क्या लेना है, वॉट वी ओ, हमने लोगों को क्या देना है. So basically, we'll be preparing these two things in this chapter. So I'm going to start with the very first statement, that is trading and P&L account. इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट मैं अलग बनवाऊंगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं अलग बनवाऊंगी. सो लेट अस बिगिन, बाद में कंबाइन कर देंगे. ठीक है? सो नोटेड डाउन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच टेल्स अस ऑपरेटिंग पोजिशन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट विच टेल्स अस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म. ठीक है? चलो जी. फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड जो हम काम करते हैं, तो वी विल राइट ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर सोहन, कोई भी बंदा, फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश. ठीक है? चल, टी अकाउंट मीन्स लेजर अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड. याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं बनेगा, ओनली पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. ठीक है? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज. नाउ लेट स्टार्ट राइटिंग, बाकी बचे रिवाइज करो. ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड आइटम जस्ट राइट डाउन, टू नेट परचेजेस, थर्ड आइटम यू राइट डाउन बाय साइड बाय नेट सेल्स, देन राइट डाउन बाय क्लोजिंग स्टॉक. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म इन डिटेल. Here you write down two direct expenses. Bas. Now watch it. What is the feature of trading account? What type of account it is? Manya, trading account is a nominal account. And what is the feature of nominal account? Expenses in debit Suhani, incomes in credit. Debit all expenses, क्रेडिट ऑल इनकम्स. नाउ से स्टॉक जो खरीदा था मेरा खर्चा था, इसलिए डेबिट साइड पे आया. इस साल और भी माल खरीदा, वो भी खर्चा था, डेबिट में आया. फैक्ट्री में कुछ खर्चा होगा गुड्स बनाने का, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी डेबिट में आया. क्रेडिट ऑल इनकम्स, जब माल बेचूंगी रेवेन्यू अर्न होगा, दैट इज माई इनकम, क्रेडिट में आया. क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बचा है वो भी सेल होगा और मुझे पैसे मिलेंगे, वो भी क्रेडिट में आया. So these two are incomes and these are expenses. So I told you this is a nominal account. खर्चे सारे डेबिट में आने हैं, इनकम सारी क्रेडिट में आनी है. Now what we will do is क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे. If we get the answer on this side, this is known as balancing. We will term it as gross profit. We will term it as gross profit. C oblique D. C oblique D means carried down. BF. BF stands for balancing figure. If answer comes this side, that would be by gross loss carried down.
ठीक है, दैट वुड अगेन बी द बैलेंसिंग फिगर. आइदर क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा सान्या सुहानी, या क्वेश्चन में जस्ट में है लॉस होगा. ठीक है, आइदर प्रॉफिट और लॉस. नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी आइटम इन डिटेल. सबसे पहले हम इनकम्स को एनालाइज करते हैं. वेरी फर्स्ट इनकम इन द बिजनेस इज नेट सेल्स. जो माल हम बेचेंगे वो पैसा आएगा, दैट इज इनकम. सो नेट सेल्स इज रेवेन्यू अर्न्ड. क्या कहते हैं इसको, इज रेवेन्यू अर्न्ड. रेवेन्यू मीन्स इनकम अर्न्ड. फॉर्मूला होता है नेट सेल्स का, राइट डाउन द फॉर्मूला. नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. राइट डाउन द फॉर्मूला. नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. माइनस सेल्स रिटर्न. ठीक है जी, इज इट क्लियर? नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. क्योंकि कुछ माल हम कैश पे बेचेंगे, सम आई विल से लाइक सम ऑफ द गुड्स माइट बी सोल्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है ना, कुछ रिटर्न्स वापस हुए तो नेट सेल्स वो यहाँ लिख देंगे. तो आपको ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं, इधर ब्रैकेट में ही एड माइनस कर दिया करो. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. ठीक है, यहीं पे एड माइनस. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ इनकम. दिस इज फर्स्ट इनकम ऑन क्रेडिट साइड. सेकेंड इनकम ऑन क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक. क्या नाम देंगे, क्लोजिंग स्टॉक. द स्टॉक अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक. जो स्टॉक साल के एंड तक कभी नहीं बिका उसको हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, वाई इट इज इनकम, बिकॉज इट विल बी सोल्ड इन फ्यूचर एंड विल गेट मनी. इट इज इनकम, देयरफॉर शोन ऑन क्रेडिट साइड. कई बार वो कह देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री बनाओ. ये हमने ना जर्नल के चैप्टर में भी किया था, तभी मैंने आपको कहा था मैं ये एंट्री फाइनल अकाउंट में अच्छी तरह कराऊंगी. याद है तभी एक एंट्री की थी, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड लिखा था, पास एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक. सो एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री मीन्स स्टॉक को हम खत्म कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर करके, ट्रेडिंग अकाउंट. सो वेयर विल इट बी ट्रांसफर, ट्रांसफर एंट्रीज भी कहते हैं इनको. सी इधर लेजर पोस्टिंग कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्या लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक. सो वी हैव टू इनकम्स ऑन क्रेडिट साइड. अब हम आते हैं खर्चे वाली साइड. लेट्स बिगिन. एक्सपेंसेस इन बिजनेस. नंबर वन, ओपनिंग स्टॉक. ये खर्चा होता है. ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था. आई रिपीट, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर. ठीक है, तो व्हाई इट इज एक्सपेंस, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैड स्पेंट सम अमाउंट ऑन इट, मैंने उस पर पैसा खर्चा था. सो द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर. इस साल का वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, ठीक है, तो कहां शो होना है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सेकेंड, नेट परचेजेस. कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस कुछ उधार पे माल खरीदा माइनस परचेजेस रिटर्न. कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न. ठीक है, नेक्स्ट. थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अच्छा, नेट परचेजेस में कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस
write down the definition of direct expenses. Those expenses without which production cannot take place, जिसके बिना production नहीं हो सकती. Imagine करो, जब मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी, अगर मैं रिक्शा वाले को पैसे नहीं दूंगी, वो रॉ मटेरियल नहीं उतारेगा. सो कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स परचेजेस का कैरेज, कैरेज ऑन परचेजेस, अकेला कैरेज भी डायरेक्ट होता है. फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेजेस, अकेला फ्रेट. मैम दूसरा फ्रेट कौन सा होगा? फ्रेट ऑन सेल्स, वो नहीं लेना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सिर्फ परचेज का खर्चा, ओनली परचेज का खर्चा. और डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे होगा मान्या? फैक्ट्री में अगर मैं वेजेस पे नहीं करूंगी तो वो काम ही नहीं करेंगे, तो वेजेस भी डायरेक्ट होते हैं. थर्ड, फैक्ट्री का सारा खर्चा डायरेक्ट, फैक्ट्री कोल, फैक्ट्री कोक, कोक पीने वाली कोक नहीं, फैक्ट्री में जो कोयला यूज होता है, कोक इज अनदर फॉर्म ऑफ कोल. देन गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की, ऑल दीज आर डायरेक्ट. फैक्ट्री रेंट इज अगेन डायरेक्ट, फैक्ट्री रेंट इज अगेन डायरेक्ट. तो इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ठीक है. फैक्ट्री का किराया नहीं देंगे, वो फैक्ट्री खाली करने को कहेंगे, है ना. सो ऑल दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब क्या करेंगे? सारे खर्चे कहाँ डालेंगे? डेबिट में. ओपनिंग स्टॉक भी इधर आएगा, परचेजेस भी इधर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इधर आएगा. दो इनकम्स इधर आएंगे, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, आंसर कम्स दिस साइड दैट इज जीपी, इफ आंसर कम्स ऑन क्रेडिट साइड दैट इज ग्रॉस लॉस. मैम उल्टा नहीं, क्रेडिट में इनकम आती बेटा. इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, ऐसे लिखे, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट. लिखो लिखो, एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम सुहानी, ग्रॉस लॉस. इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट. एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम, ग्रॉस लॉस. चलो चलो, मैंने क्वेश्चंस कल ग्रुप में भी भेजे थे जस मेहर, वैसे सारे बच्चे टीएस करेवाल खोलेंगे. आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. बैक सम निकालो. चलो पेज नंबर 18.62, पेज नंबर 18.62, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन कराऊं, करें स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है. आप ऊपर लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश डैश डैश, नाम नहीं ना दिया, फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड. यू हैव टू पिक द आइटम एंड यू शुड नो वेयर इट हैज टू बी पोस्टेड. नंबर 1, टू ओपनिंग स्टॉक, इधर आते हो ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए आप. टू ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? 23,000. टू परचेजेस, अंदर लिखना क्योंकि परचेजेस रिटर्न हो सकता है, माइनस करना. बाय सेल्स ऊपर, और इसी में से ही सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे. सेल्स कितने हैं? 25,400. सेल्स रिटर्न 500 माइनस, और उधर परचेजेस रिटर्न 2400 माइनस. बाय क्लोजिंग स्टॉक, $47,700. टू
carriage inwards. 100. मैम डेप्रिसिएशन नहीं लेना. नो बड़ा बड़ा लिखो, डेप्रिसिएशन इज लॉस, इट इज नॉट डायरेक्ट. एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगले फॉर्मेट में लेके जाएंगे. इधर सिर्फ फैक्ट्री के सारे रिलेटेड खर्चा डालना है, उसमें डेप्रिसिएशन सुहानी नहीं डालना. इज इट क्लियर? समझ में आई बात बेटा? मान्या वो ना इसको सॉल्व करके बाहर निकालेंगे. 25,400 माइनस 500 24,900. सिमिलरली 29,400 माइनस 2400 29,000 सॉरी 29,000 माइनस 2400. अंदर को सॉल्व करके बाहर लिखेंगे क्योंकि रिटर्न्स माइनस करने थे. नाउ आई विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. हाउ विल आई कैलकुलेट? आई टोटल दीज साइड्स. 24900 प्लस 24900 प्लस 47700. टोटल ऑफ दिस साइड इज 72600 माइनस 23000 माइनस 26600 माइनस 100. सो आंसर इज 22900. व्हाट इज दिस 22900? बैलेंसिंग फिगर ऑफ अकाउंट एंड नेम इट एज टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. Name it as to gross profit carry down. कैसे किया? This plus this total minus इसको total करके इन तीनों पर 23,000 plus 26,600 plus 100 इनको total करके 72,600 में से क्या कर देंगे? Minus. Is it clear? चलो एक और सम करेंगे. Note it down, please. I'll be solving question number 6. Let's begin. पहले 6 कराऊंगी फिर 4. चलो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020. टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 टू परचेजेस अंदर लिखना, कोई पॉइंट होगा. परचेजेस सेल्स को अंदर लिखा करो क्योंकि रिटर्न्स होते हैं ना माइनस करने होते हैं. बाय सेल्स 6th क्वेश्चन. बाय सेल्स 380,000 आगे. कैरेज इनवर्ड्स मैंने बताया था ना, कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट होता है. इधर लिखो टू कैरेज इनवर्ड्स. हाउ मच? 20,000. अच्छा व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस? रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस में से माइनस टू वेजेस एंड सैलरीज. सेल्स रिटर्न यहां से माइनस. बाय क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे इधर, परचेजेस इधर, परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस, ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर.
अब पहले इंटरनल को आउटर कॉलम में लिखा करो, 3,20,000, 380 माइनस 20, 3,60,000। क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को माइनस करो, इफ आंसर कम्स दिस साइड दैट वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स सी, 3,60,000 प्लस 130, 4,90,000। और ओपनिंग स्टॉक कितना था, 40, माइनस 40,000। माइनस 3,20,000 माइनस 20। एक और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दे दिया, नीचे कहते क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 1,20,000। ऐसे तो बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 1,30,000, बट हुआ क्या, उस स्टॉक की वैल्यू कितने फिक्स अप हो गई, मार्केट वैल्यू 120। राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमिट टू मेमोरी, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है, चलो, तो अब इसमें देखो मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है देखो, 1,20,000। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को 130 पे नहीं शो करूंगी, किस पे शो करूंगी, 120 पे। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो मार्केट प्राइस कम है तो आई विल शो क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अभी हो गया 4,80,000। 4,80,000 में से सारी चीजें माइनस करेंगे, आंसर आएगा 50,000। वॉट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 50,000। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलो जी, लेट्स बिगिन। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 वो दूसरे वाले पेज पे था, 4। नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, दे हैवंट आस्क्ड ट्रेडिंग अकाउंट, दे हैव आस्क्ड कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। चलो मैं ट्रेडिंग अकाउंट से ही देखती हूँ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूंगी। जो जो दिया है जसमेहर सब डाल दो। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक, 20,000। बाय सेल्स, कैसे आएंगी सेल्स, कैश सेल्स भी दी हुई है मान्या, क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है, सो दैट वुड बी सुहानी, 60,000 प्लस 40,000, 1,00,000। परचेजेस आर ऑल्सो गिवन, टू परचेजेस, कितनी परचेजेस दी हुई है, 70,000। ठीक है, ओके, एक ये क्या पॉइंट दिया हुआ है, जीपी ऑन कॉस्ट इज 33.1/3%। ये कैसे होगा, उन्होंने दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो है नहीं, अपना भी ये वाला सम छोड़ दो, मैं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा रही, यू विल गेट कंफ्यूज, लीव दिस सम, काट दो क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं करेंगे, लीव दिस सम, यू विल नॉट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. टू ओपनिंग स्टॉक 25,000. टू परचेजेस कहां दिया हुआ है? राइट हैंड साइड पे देखो, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000. बाय सेल्स कितनी दी हुई है? बाय सेल्स 1,90,000. फ्रेट एंड पैकिंग डायरेक्ट एक्सपेंस. आपने वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं देना, आपने वो पर्टिकुलर एक्सपेंस को लिखना है. टू फ्रेट एंड पैकिंग 10,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000. मैम व्हाट आर दीज पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल? ये नहीं लेना, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल नहीं लेना मैम. क्यों? दीज आर इनडायरेक्ट. मीन्स जो देखो, जिस जिस एक्सपेंस के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती वो एक्सपेंस लेना है. फ्रेट एंड पैकिंग ले लो, क्योंकि जो मैं रॉ मटेरियल भेजूंगी, ठीक है ना, उस पे जो फ्रेट हमने खर्चा है वो तो देना है. अकेला फ्रेट मैंने क्या कहा था? डायरेक्ट. बट जो पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल है वो नहीं लेंगे. सो नाउ वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 1,40,000 माइनस 10,000. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45,000. कैसे निकाला सुहानी? क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करके. हाउ विल बी गेट द आंसर? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके. हाँ जी बोलो. हैं पता नहीं, बाद में मेरे लेक्चर चलते हैं. चलो आगे, ठीक है? इज इट क्लियर? एनी डाउट बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में? बताओ मुझे. अब आप ऐसे करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके सिक्स तक, फोर्थ छोड़ के, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है?